एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अपने टेरेस गार्डन का भी। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने ये समर वाली वेजेस लगा दी और ये दवा कुचला बच गया है चीकू का पेड़। और यहाँ टमाटर का नज़ारा आप देख सकते हैं, इतने सारे टमाटर आज मैंने तोड़े हैं और इससे पहले भी कई बार तोड़े जा चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि टमाटर ख़त्म ही होगा। और आगे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ नीचे नीचे मैंने हर जगह वो समर वाली वेजिटेबल्स लगाई है और अभी सब में सबको जस्ट मैंने अभी पानी दिया है, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और बिना पानी के पौधे सूख जाएंगे। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि इसी तरह कुछ बैगन, बीच में बैगन थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा था, फली आ रही थी, लेकिन फिर अभी अच्छा से जब वाटर देना शुरू किया, पानी से सींचना शुरू किया, तो अच्छे से बैगन भी नहीं। और इस सब के बीच बीच में मैंने वो समर वाली वेजेस लगाई हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं मिर्ची के पेड़ में, बीच में मिर्ची भी कुछ ख़राब हो रही थी, मिर्ची के पेड़ भी ख़राब हो रहे थे, फिर से सबको अच्छे से देखभाल हुआ तो फिर से समय फूल और फल लग गए हैं अच्छे से। और ये चेरी का पेड़ है छोटा सा। और यहाँ भी हर जगह जहाँ जहाँ जगह मुझे मिला मैंने हर जगह सीड्स डाल दिए हैं। और समर वेजेस में आप लोग को खीरा, लौकी, घिया जो भी होता है, झिमनी, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, तोरी, वो सब भी। यहाँ चने में लोग देख सकते हैं कि चने में फली आ गई है, मुझे तो लगा था ऊपर से केवल फूल दिख रहे थे, बट अंदर में आप लोग दिखाती हूँ कि यहाँ देखिए फली भी आ गई है। और इस बार थोड़ा सा चना मैंने घना बो दिया था, अगली बार से थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं सीड को सो करूँगी ताकि ये पेड़ इतना घना ना हो। और यहाँ मेरी बेटी मेथी तोड़ रही है, मेथी के पत्ते। और यहाँ देख सकते हैं स्प्रिंग ऑनियन भी मैंने लगा रखे हैं और यहाँ भी जगह बची तो मैंने करेले लगा दिए। और बाकी के अभी इस सीज़न में मेरे पास जो है फूल तो नहीं है, ये कनेल का पेड़ लगाया है मैंने नए नए। और यहाँ थोड़ी सी वो धनिया, और ये पेड़ जो आया था ना, ये कीवी का पेड़ के आया था और निकला ये बिल जैस्मिन का पेड़। और यहाँ ये मैंने मुझे एक मिला बरगद का पेड़ मुझे लगा तो मैंने लगा लिया पूजा करने के लिए। और यहाँ ये मैंने बेल लगाए हैं और इसमें जो आप लोग देख रहे हैं वो शिवरात्रि का पूजा वाला जो होता है वो मैंने दूसरी जगह नहीं फेंका, यहीं बेल के पेड़ के नीचे दबा दिया हुआ है। और यहाँ जो मैंने गेंदे डाल दिए थे उसी का एक पेड़ निकला और ये कड़ी पत्ता। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरे सारे पौधों में, यहाँ मैंने केला का पेड़ लगा रखा है पूजा के लिए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समर आ रहे हैं तो पौधों में थोड़ी सी लाइफ लग रही है। तो बीच में सब पौधे लग रहे थे जैसे ख़त्म हो जाएंगे, इसमें भी ढेर सारी कलियाँ आ गई। ये तो सूखते सूखते बचा है मेरा पौधा, इसमें भी ढेर सारी कलियाँ हैं। यहाँ इसके अंदर आपको धूप भी देखने के लिए मिलेगी, तो ये मैंने पूजा के लिए रख छोड़ा। और ये ड्रैगन फ्रूट, नींबू में तो फूल और फल बहुत से पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत थे बट सारे निकल गए। अब यही कुछ फूल बचे हैं, इसमें भी धीरे धीरे पत्ते आ रहे हैं।
और ये लास्ट में ये एक नींबू और ये स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टेरेस गार्डन? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।